झारखंड के रिम्स में आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद का इलाज चल रहा है और अब उन पर कोरोना संक्रमण का खतरा भी मंडराने लगा है। दरअसल सोमवार को झारखंड में कोरोना पॉजिटिव पाए गए 20 लोगों में से एक मरीज रिम्स में डॉक्टर उमेश प्रसाद के वार्ड में भर्ती था। डॉक्टर उमेश प्रसाद की ही टीम लालू प्रसाद यादव का इलाज करती है। ऐसे में आरजेडी सुप्रीमो पर कोरोना संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है। वैसे तो कोरोना संक्रमित मरीज को तुरंत वार्ड से कोरोना सेंटर भेज दिया गया था, साथ ही डॉक्टर उमेश प्रसाद की पूरी टीम के कोरोना जांच के लिए सैंपल ले लिए गए हैं, लेकिन जब तक कोरोना की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक डॉक्टर उमेश प्रसाद और उनकी टीम लालू प्रसाद के पास जाकर इलाज नहीं करेगी और न ही डॉक्टर उमेश लालू यादव को देखने आएंगे। वो फोन से ही लालू प्रसाद यादव से स्वास्थ्य की जानकारी लेंगे। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन की कैबिनेट बैठक में लालू प्रसाद को पेरोल देने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन कोई फैसला नहीं लिया जा सका। न्यूज़ डेस्क।